नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 2 जुलाई के दिन एसएससी सीएचएसएल की सभी शिफ्टों के जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, इसी के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज 2 जुलाई के दिन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 2 शिफ्टों में जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज 2 जुलाई के दिन जो सभी शिफ्टों के एग्जाम एसएससी सीएचएसएल के संपन्न हुए हैं, इनमें पूछे गए प्रश्नों का लेवल क्या था, कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, आइए फुल डिटेल में जान लेते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें जो सेक्शन था, 4 सेक्शन था। सबसे पहले सेक्शन में रीजनिंग को रखा गया था, उसके बाद जीके को रखा गया था, उसके बाद क्वांट था और उसके बाद इंग्लिश थी। तो दोस्तों, ये 4 सेक्शन थे, इनका क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। रीजनिंग पहले पोर्शन दिया हुआ था, उसके बाद जीके था, उसके बाद क्वांट था और इंग्लिश था। अगर हम लेवल की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन का जो लेवल था दोस्तों, काफ़ी ईजी आया हुआ था। उसके बाद मैथ सेक्शन की अगर हम बात करें तो मैथ सेक्शन वॉज मॉडरेट बट कैलकुलेटिव। दोस्तों, जो मैथ का सेक्शन था मॉडरेट था, लेकिन कैलकुलेटिव था, यानी संख्या उसमें तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना था। इसके बाद अगर हम डिटेल देखें, मतलब हर लेवल का, तो यहाँ पे इंग्लिश का जितने 25 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, जिनमें जो इंग्लिश का लेवल जैसा कि मैंने बताया वेरी इजी था। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 25 प्रश्न पूछे गए थे, जिसका लेवल मॉडरेट था। और क्वांट की अगर हम बात करें तो क्वांट के भी 25 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें मॉडरेट बट कैलकुलेटिव था। क्या था? मॉडरेट बट कैलकुलेटिव था क्वांट का पोर्शन। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो इसके 25 प्रश्न पूछे गए थे, इसका भी लेवल मॉडरेट था। यानी दोस्तों, ओवरऑल 100 प्रश्न पूछे गए थे और इन 100 प्रश्नों का जो लेवल था यहाँ पे मॉडरेट था। अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जो आज के दिन संपन्न हुआ है क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन का लेवल अगर हम जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आज के दिन, और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन, डीआई से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था आज के दिन। और उसके बाद परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज से यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आज के दिन के एग्जाम में, जो मैथ का सेक्शन था उसमें टाइम एंड स्पीड से 1 क्वेश्चन था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 2 था, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 था, उसके बाद मिसलेनियस 1 से 2 क्वेश्चन थे। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के सेक्शन में। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में दोस्तों एम्बेडेड फिगर्स से 1 क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन था, एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। उसके बाद पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आया था, उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर्स से 1 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन, सिलॉग से 1 क्वेश्चन और मिरर एंड वाटर से 1 क्वेश्चन। तो आप देख लीजिएगा किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के सेक्शन में। अगर हम बात करें इंग्लिश के सेक्शन की, तो इंग्लिश के दोस्तों जो टॉपिक थे, 1 वर्ड्स से पूछा गया था 2 क्वेश्चन, एडियम्स से 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 2, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से 4 क्वेश्चन, उसके बाद स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे, एरर से 2 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन, उसके बाद एरर रिकॉग्निशन से 2, एक्टिव पैसिव से 2, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन, उसके बाद पैराजम्बल से 2, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से 2। तो दोस्तों, ये इतने टॉपिक थे, इन इन टॉपिक से इतने प्रश्न पूछे गए थे किस में, तो इंग्लिश के सेक्शन में। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें जीके के सेक्शन की, तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री से बस 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी से इसमें 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न, उसके बाद इकोनॉमिक्स से जो 1 पूछा गया था क्वेश्चन, उसके बाद स्टैटिक जीके से 5 से 6 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। तो आप इसे देख लीजिएगा, स्टैटिक जीके से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन और मिसलेनियस 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद करंट अफेयर्स सेक्शन की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे आज के दिन के, तो दोनों शिफ्टों में। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आज पूछे गए थे तो देख लेते हैं। जैसे गैलेना इज एन ओर ऑफ, तो दोस्तों यहाँ से पूछा गया था कि ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है कि गैलेना किसका अयस्क होता है, तो इसका जो राइट आंसर है लेड का हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था नेम ऑफ डायरेक्टर ऑफ मूवी बेस्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी,
तो यहाँ पे दोस्तों नरेंद्र मोदी के पर रिलेटेड जो मूवी बनाई गई थी उसका डायरेक्टर पूछा गया था, तो इसका डायरेक्टर है उमंग कुमार। तो दोस्तों यहाँ पे पीएम मोदी से भी एक रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलियंस ऑफ एनडीए, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बैरियर और बैरन स्पेलिंग पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था पान सिंह तोमर वॉज रिलेटेड टू विच गेम, तो ये मूवी है दोस्तों आपने देखी होगी पान सिंह तोमर, तो दोस्तों ये स्टीपल चेस से इसका संबंध था, आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद इन्यूडो का मीनिंग पूछा गया था इंग्लिश सेक्शन में, तो सजेशन और हिंट होता है। उसके बाद एंटोनिम आप एग्जॉटिक का नेटिव हो जाएगा। उसके बाद वन हु नेवर गिव नेवर गेट टायर्ड का हो जाएगा इनडेफेटिकेबल। तो ये दोस्तों कुछ प्रश्न थे जो आज के दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे। तो दोस्तों ये था फुल एनालिसिस मैंने किया यहाँ पे कि हर एक सेक्शन से कितने किसने प्रश्न पूछे गए थे तथा हर सेक्शन का क्या क्या लेवल था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस पर एक लाइक तो आप जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।